सो फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं एनास्ट्रोलॉजिक गाइड फॉर अ ब्रोकन हार्ट्स की, जो कि एक रोम कॉम सीरीज है नेटफ्लिक्स की, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 40 मिनट की है। जिस सीरीज को अनफॉर्चुनेट आप फैमिली के साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ना ही ये सीरीज उन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो लोग सीरीज में कुछ एक्शन, थ्रिलर और हॉरर देखना पसंद करते हैं। ये सीरीज, जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ रोम कॉम ही है, यानी कि उन ऑडियंस के लिए जो प्यार मोहब्बत में हिसाब से ज्यादा बिलीव रखते हैं, यानी कि फीमेल्स को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी, जिस लव में ट्विस्ट टाइटल के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को भी डालकर की गई है। कैसे, तो उन सब का पता आपको इस सीरीज देखने के बाद ही चलेगा, जिसकी अडेप्टेशन इसी सेम नाम की नॉवल से भी की गई है। बाकी बात करें सीरीज की कहानी की शॉर्ट डिटेल्स की, तो ये कहानी एलिस नाम के कैरेक्टर की है, जो अपनी लाइफ में काफी दुखी है, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से होती है, जो उसकी राशि के हिसाब से उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में उसकी मदद करता है। और अब ये जर्नी आगे कैसे बढ़ती है, एलिस की लाइफ में क्या कुछ होता है, उन सभी का पता आपको इस सीरीज को देखकर चल जाएगा, जो मेरी नजर में इस जॉनर के हिसाब से एक टाइम पास सी सीरीज है, जिसे आप देखोगे तो भी चलेगा और अगर स्किप भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि एक टाइम पास ही सीरीज है इस जॉनर की, जो आपको कुछ नया तो प्रेजेंट नहीं करती, लेकिन एक ऐसी स्टोरी सुनाती है जो आपके खाली टाइम को भरने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर से याद रहे, अगर आप इस जॉनर की सीरीज या फिर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ही, वरना ऑप्शन तो इस सीरीज से दूर रहने का ही है। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की सीरीज को लेकर। आपकी राय क्या है, आप उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीत शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।